हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही छोटा टॉपिक व्यंजन वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन को लाए हैं। तो आइए हम समझते हैं व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो हमारे व्यंजन होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं जिन्हें कई भागों में बांटा गया है। जैसे अस्पर्श व्यंजन, अस्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संपृक्त व्यंजन। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? तो स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 25 होती है। का वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे का वर्ग के अंतर्गत का, खा, गा, घा, अंगा, जिनका उच्चारण स्थान हमारा कंठ है। चा वर्ग, चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया, इसका उच्चारण स्थान तालु। टा वर्ग, टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग का हमारा उच्चारण स्थान ओट्स है, पा, फा, बा, भा, मा। इस प्रकार से यह हमारा स्पर्श व्यंजन हुआ। इनकी संख्या टोटल 25 होती है। अब अगला हम जानेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ को अगर हम दो भागों में बांटते हैं तो अंत प्लस अस्थ, आखिरी में स्थित। तो या, वा, रा, ला, ये जो हमारे होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। या का उच्चारण स्थान तालु है, वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, रा का मूर्धा और ला का दंत। अब हम अगला जानेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। सा, शा, शा, हा, सा का उच्चारण स्थान तालव्य, शा का मूर्धा, शा का दंत, हा को काकल्य वर्ण भी कहते हैं और इसके उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगला हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो वर्णों के मेल से बने होते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे छत्रंग्या श्रा, जैसे छत्र का निर्माण हमारे छ से छत्री, छ का निर्माण का प्लस शा बराबर छत्र, त्र ता प्लस रा, ज्ञा का गिंजा प्लस ज्ञा, उसी प्रकार से शा का शा प्लस रा। लेकिन जब मूलतः हम अगर मूल संयुक्त व्यंजन आता है तो मूल संयुक्त व्यंजन हमारे 3 होते हैं, छत्र, ज्ञा, और वैसे संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं। अब अगला हम जानेंगे संपृक्त व्यंजन क्या है। तो संपृक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जब कोई भी अर्धवर्ण यदि किसी पूर्ण व्यंजन से मिले हों तो उसे संपृक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे उदाहरण में संबल, संधि, हिंदी, कंठ इत्यादि। अब अगला हम जानेंगे द्वित्य व्यंजन क्या होता है। द्वित्य व्यंजन को ही युग्मक व्यंजन कहते हैं। अगर कोई अर्धवर्ण स्वयं के पूर्ण वर्ण से मिले हों तो ऐसे वर्णों को द्वितीय व्यंजन की संज्ञा दी जाती है। जैसे दिल्ली, सच्चा, बिल्ली, लल्ला, सम्मान, उल्लास, उज्जवल इत्यादि। अगला हमारा है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? तो इनकी संख्या 2 होती है, डा, ढा। डा हमारा अल्पप्राण के अंतर्गत आता है और ढा हमारा महाप्राण के अंतर्गत आता है। द्विगुण व्यंजन को और किन किन नामों से जानते हैं? तो द्विगुण व्यंजन को निम्न नामों से जानते हैं, जैसे उच्छिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन, द्विज व्यंजन, नवीन वर्ण, संकर वर्ण, उत्सृप्त वर्ण, विशिष्ट वर्ण, आधुनिक वर्ण। इन नामों से द्विगुण व्यंजन को जाना जाता है। अब हम जानेंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण में सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन आता है। स्पर्शी व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। का से लेकर मा तक हमारा स्पर्शी व्यंजन होता है। सेकंड हमारा आता है स्पर्श संघर्षी।
अस्पर्श संघर्षी चार होती है, चा छा जा झा, इया का स्थान नहीं होता है। और थर्ड आता है संघर्षी, संघर्षी की संख्या चार होती है, शा 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 हा। अगला आता है अनुनासिक, अनुनासिक की संख्या पाँच होती है, जो हमारे पंचमाक्षर वर्ण होते हैं उनको अनुनासिक वर्ण कहा जाता है, जैसे अंगा इया अड़ा ना मा। अगला आता है हमारा प्रकंपित वर्ण, प्रकंपित वर्ण जब ला होता है। अगला आता है पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन ला आता है। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन डा और ढा आता है। अर्धस्वर या और वा होता है। इस प्रकार से हम अपने इस वीडियो में व्यंजन के बारे में जाने। आशा करती हूँ कि आप व्यंजन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बेहतर ढंग से व्यंजन को समझ सकते हैं। अगर आपको हमारा यह बताया हुआ व्यंजन के प्रकार समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।